भोपाल में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव के दौरान यह घोषणा करने वाले मिर्ची बाबा इन दिनों गायब हो गए हैं कि अगर दिग्विजय सिंह की हार हुई तो फिर वे समाधि ले लेंगे। कुल मिलाकर बाबा इसके बाद चर्चा में आ गए थे कि ये कौन से बाबा हैं जो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अगर चुनाव नहीं जीते तो वे समाधि ले लेंगे। इनका नाम है मिर्ची बाबा और इन्होंने दिग्विजय सिंह के पक्ष में एक मिर्ची यज्ञ भी किया था जिसमें भारी मात्रा में मिर्ची हवन में डालने के बाद उन्होंने यह घोषणा की थी कि अब दिग्विजय सिंह चुनाव जीत जाएंगे और अगर चुनाव नहीं जीते तो वे समाधि ले लेंगे। अब सवाल इस बात का है कि बाबा का मिर्ची यज्ञ फेल क्यों हो गया और इसके बाद जब दिग्विजय सिंह चुनाव हारे तो मीडिया ने बाबा को ढूंढने की कोशिश की लेकिन बाबा का मोबाइल लगातार बंद आया। इस दौरान एक पत्रकार की बाबा से बात जरूर हुई तो बाबा ने उन्हें कहा कि क्या उन्होंने उनका ठेका ले रखा है और इसके बाद उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। बाबा ने उस पत्रकार को यह भी धमकाया कि ऐसा ही है तो जाओ कोर्ट चले जाओ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। कुल मिलाकर मिर्ची बाबा का यह ढोंग धतूरा बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसके सोशल मीडिया पर भी खूब मजे ले रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।